और पॉल्यूशन की सिचुएशन को लेकर बात करेंगे। हमारे सहयोगी राजकुमार भाटी हमारे साथ मौजूद इस वक्त। राजकुमार, अभी पॉल्यूशन इंडेक्स कुछ बेहतर हुआ है, कुछ पाबंदियां हटाई गई हैं, कैसे क्रियान्वित हो रही हैं ये? जी बिल्कुल, आपको सही कह रहे हैं आप कि कुछ कमियां जो हैं दिल्ली के AQI में जरूर आई हैं। जैसे कि अभी का जो हाल है, अभी के आलम की यदि हम बात करें तो 360 आनंद विहार का AQI लेवल है, वहीं पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार का 370 AQI लेवल है, जो कि कुछ जरूर कम हुआ है। क्योंकि कल जिस तरह से परसों जब हम जनता से रूबरू हो रहे थे तो हमने बताया था कि करीब 500 के आसपास था, तो काफी सुधार है। जिस तरह से सरकार का जो आदेश हुआ है GRAF 4 को हटाने का, उसमें कुछ जो बंदिशें थी उनको भी कम किया गया है, तो इस तरह की बंदिशों को कम करके और 9 तारीख से नौनिहालों को वापस स्कूल की ओर जाना होगा। 5वीं तक की जो छुट्टियां सरकार के माध्यम से की गई थी वो शायद कुछ ही दिन की रही। ठीक है, माहौल कुछ सुधार में है, मगर उतना सुधार भी नहीं आया दिल्ली में जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी। क्योंकि अब भी जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने 250 एंटी स्मॉग गन को झंडी दिखाई थी, वो एंटी स्मॉग गन दिल्ली की सड़कों से कहीं ना कहीं नदारद है, वो दिखती नहीं है। मगर अब चुनाव का माहौल आया गया है तो शायद कुछ ना कुछ राहत दिल्ली वालों को जरूर सुविधाओं में मिलेगी। अब इंतजार कर रहे हैं दिल्ली वाले कि उनको सुधार की ओर सरकार लेकर जाएगी। जी बिल्कुल। और ये सुधार हुआ हवा की गुणवत्ता में, GRAP 3 के कुछ नियम लागू हैं, स्कूल्स खुलने के बारे में, ट्रक्स के एंट्री के बारे में भी कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरह से GRAF 3 रहेगा, सरकारी जो सुविधाएं हैं, जो सरकारी कंस्ट्रक्शन रहेगी उन पर प्रतिबंध नहीं होगा, मगर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन बैन रहेगा पूरी तरह से। स्कूल जो है वो 9 तारीख से प्राइमरी विंग को खोल दिया जाएगा, ये सरकार ने आज आदेश जारी कर दिया है। मतलब मंगलवार से जब स्कूल बच्चे जाएंगे तो वो प्राइमरी विंग के बच्चे भी स्कूल 9 तारीख को जाएंगे, क्योंकि कल गुरुपर्व के कारण जो है वो छुट्टी का दिन है, इसलिए कल स्कूल पूर्णतः बंद रहेंगे। परसों जब स्कूल खुलेंगे तो वो प्राइमरी विंग के बच्चे भी स्कूल की ओर होंगे। परसों का क्या माहौल होगा ये तो भगवान भरोसे, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में कुछ हवा चली है तो उस कारण भी दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो थोड़ा कम हुआ है। जी बहुत शुक्रिया राजकुमार, आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।